ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, फिर भी मोदी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी की लगातार पांचवी भागीदारी होगी, जब वो दुनिया के सामने भारत समेत ग्लोबल साउथ के मुद्दों को रखेंगे। इस यात्रा में खास यह है कि पीएम मोदी की इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है, यानी कि 1-to-1 talk। पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडरशिप वाली छवि और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाने वाली ये तीसरे टर्म की पहली विदेश यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार देश की सत्ता पर विराजमान होने वाले प्रधानमंत्री आज शाम इटली के लिए रवाना हो गए। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही पीएम मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली जा रहे हैं। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। भारत ने इससे पहले 10 बार G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में हिस्सा लिया है। 2003 में फ्रांस, 2005 में यूके, 2006 में रूस, 2007 में जर्मनी, 2008 में जापान, 2009 में इटली, 2019 में फ्रांस, 2021 में यूके, जर्मनी में 2022 और जापान में 2023 में हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से इस आउटरीच सेशन में सभी भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पर होगी। पीएम मोदी के इटली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और ग्लोबल साउथ के बड़े लीडर्स के साथ बायलेटरल टॉक्स में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इटली की पीएम मेलोनी के साथ भी बायलेटरल टॉक्स का हिस्सा होंगे। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड एज एन आउटरीच कंट्री। द फर्स्ट द विजिट अज्यूम्स अ सिग्निफिकेंस एज दिस विल बी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट ओवरसीज ट्रैवल After resuming office in his third consecutive term, it will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the global south. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाल ही में जब मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस जीत के लिए मोदी को बधाई दी। जॉर्जिया मेलोनी ने अपने एक्स हैंडल पर इतालवी भाषा में लिखा कि नई चुनावी जीत पर और अच्छे काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे विश्वास है कि हम इटली और भारत को एकजुट करने वाली दोस्ती को मजबूत कर दें और हमारे देशों और लोगों की भलाई के लिए हमें जोड़ने वाले विभिन्न मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेंगे। दोनों देशों के लिए मिलकर काम करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मेलोनी की इस बधाई का मोदी ने भी गर्मजोशी से जवाब दिया। मोदी ने मेलोनी की बधाई के जवाब में कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद पीएम जॉर्जिया मेलोनी। हम भारत इटली की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। वैश्विक भलाई के लिए हम मिलकर काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच अच्छे रिश्ते हैं। भारत में G20 सम्मेलन के दौरान जॉर्जिया मेलोनी जब मोदी से मिली थी तब इस मुलाकात ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दरअसल इन दोनों ही नेताओं में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी
काफी मेल खाती है। राष्ट्रवाद के साथ मोदी की कट्टरपंथ के खिलाफ ग्लोबल लीडर वाली इमेज है, तो वहीं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी धुर राष्ट्रवादी हैं। दक्षिणपंथी लीडर के तौर पर वो पहचान रखती हैं, कट्टर धार्मिक और परंपरा और संस्कृति की पक्षधर हैं। राष्ट्रवादी मेलोनी के लिए भी राष्ट्रहित सर्वोपरि है। G7 सदस्य देश वर्तमान में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 45% और पूरे विश्व का 10% से ज्यादा की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G7 की यही परंपरा रही है कि अध्यक्षता करने वाला वो मेजबान देश कई देशों अंतर्राष्ट्रीय संघों के प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन में आमंत्रित करता है। इससे पहले 1997 और 2013 के बीच रूस को इस समूह में शामिल किया गया था और ये विस्तार G7, G8 बन गया था। लेकिन क्रीमिया पर कब्जे के बाद साल 2014 में रूस की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल हैं। इस बार इटली G7 की अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल होंगे। लेकिन हिंदुस्तान की नजर देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पर हो। अपनी पहली विदेश यात्रा में मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और NSA अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। दरअसल आर्थिक मुद्दों से आगे बढ़ते हुए G7 का मंच और भी ज्यादा व्यापक हो चुका है। अब इस मंच पर विश्व की शांति, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और एक ही मंच पर इन सब के समाधान के लिए विचार आमंत्रित किए जाएंगे। साल 2003 से उन देशों को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा जो इसके सदस्य नहीं है, खासकर एशिया और अफ्रीका के पारंपरिक तौर पर विकासशील देशों को आउटरीच सेशन में आमंत्रित किया जा रहा है। इस मंच के जरिए आए विचारों को G7 समूह दुनिया की बेहतरी के लिए अमल में लाता है। G7 शिखर सम्मेलन में इस बार जिन मुद्दों पर फोकस होगा वो मुद्दे इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, शरणार्थी समस्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेंगे। दरअसल 1 जनवरी 2024 को इटली 7वीं बार G7 का अध्यक्ष बना है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में 2 सत्र होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन जैसी कुछ बड़ी चुनौतियों के साथ साथ यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध का मुद्दा इस बार छाया रहेगा।